हेलो दोस्तों। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा SCMP CA फाइनल न्यू सिलेबस MTP नवंबर 20। एज यू नो, हमारा एक दिव्य जड़ी बूटी बुक आता है जो आपका सारा का सारा MTP RTP और ICAI मैट का वन स्टॉप बुक है, विथ ऑल क्वेश्चंस कंपाइल्ड यूनिकली। मीन्स देर विल बी नो रिपीटेटिव क्वेश्चंस, राइट? सो MTP नवंबर 20 को भी उसी फॉर्मेट में मैंने एनालाइज किया, और ये आपका सॉफ्ट कॉपी आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आपको डाउनलोड करना है ये कॉपी फ्री में, यानी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो आप sjc.co.in में चले जाएं, ई लाइब्रेरी में जाकर सर्च करें DJB सप्लीमेंट, वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। अभी उसमें से MTP नवंबर 20 आप डाउनलोड करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ MTP नवंबर 20 के जो नए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा, ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। तो अगर आपके पास समय है भी, फटाफट आप ये डाउनलोड कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। और ये दो नया क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग करना चाहेंगे। बाकी सब क्वेश्चन इस MTP में पुराने ही रिपीटेड हैं, जो हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन वन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी है। टू नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ये परेटो एनालिसिस का क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री अभी नया है, विच इज़ रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस, एंड इट इज़ गोइंग टू यूज़ अ मॉडल कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो अभी हम ये क्वेश्चन थ्री पहले करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, राइट? पहले आपको, सिंस मैंने बता दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आपको रिकॉल करना चाहिए, पहले याद है कि नहीं वो देख लीजिए। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को फिट्ज़गराल्ड एंड मून मॉडल भी बोलते हैं। मैं आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ, ये नोट्स मैंने अपने रिविजन क्लास जो भी स्टूडेंट्स को लेटेस्ट में कराया था उससे उठा लिया है। आपको जस्ट रेफ़र करा रहा हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल फिट्ज़गराल्ड एंड मून मॉडल बुलाया जाता है, क्योंकि इसके फाउंडर ये है, और इसका काम है सर्विस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। इसके तीन हिस्से होते हैं, स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स और एक डिमेंशन। स्टैंडर्ड्स मतलब कि क्या स्टैंडर्ड सेट करो, कैसे स्टैंडर्ड सेट करो, क्या स्टैंडर्ड सेट करो, कैसे स्टैंडर्ड सेट करो। रिवॉर्ड मतलब इंसेंटिव क्या है स्टैंडर्ड को अचीव करने का। डिमेंशन में दो पार्ट है, डिटर्मिनेंट्स और रिजल्ट्स। चार डिटर्मिनेंट होते हैं, दो रिजल्ट होते हैं। पहले मॉडल याद होगा तभी तो कर पाओगे। स्टैंडर्ड्स में भी तीन बातें हैं कि स्टैंडर्ड शुड बी इक्वली चैलेंजिंग, यानी कि इक्विटी फॉर ऑल। स्टैंडर्ड में लोगों का ओनरशिप जनरेट करो, ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करें, उनसे भी पूछ के स्टैंडर्ड सेट करो, ना कि सिर्फ अपना इम्पोज करो। और लास्टली स्टैंडर्ड हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वरना कोई उसको अचीव नहीं करेगा। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, वेल कम्युनिकेटेड, क्लियरली बताया जाए, क्लियरली मेजरेबल। क्लियरली मेजरेबल भी होना चाहिए, नहीं तो आप पता चला बाद में उनको मैनिपुलेट करोगे तो वो आपका रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड अचीव कराने के लिए काम नहीं करेंगे। और तीसरा, रिवॉर्ड हमेशा मोटिवेटिंग भी होना चाहिए, और ओनली इन्फ्लुएंस बाय कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर से आपका स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ, तो आप उसके लिए रिवॉर्ड से उनको डिप्राइव नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है डिमेंशंस। डिमेंशंस में चार डिटर्मिनेंट्स है और दो रिजल्ट्स है। चार डिटर्मिनेंट्स से बेसिकली इन्हीं के KPIs बनते हैं, जिसको लेकर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना होता है। जैसे कि क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज इन साइकिल टाइम, कितना देर में काम कर लेते हो आप, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। कितना दिन में सर्विस दे देते हो, कितना देर में, कितना दिन में, समथिंग लाइक दैट। देन क्वालिटी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद थर्ड आ रहा है इनोवेशन, थर्ड आ रहा है इनोवेशन, फोर्थ आ रहा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया किया गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्स की एफिशिएंसी आपकी कैसी है। और रिजल्ट्स में दो तरह का रिजल्ट, एक फाइनेंशियल रिजल्ट और एक कॉम्पिटिटिव रिजल्ट, मतलब कॉम्पिटिटर से अपने आप को कंपेयर करो, और फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कोई फाइनेंशियल रेशियोज आप निकाल के देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो वंस यू आर थ्रू विद दिस मॉडल, एक बार मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया है, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। वंस यू आर थ्रू विद दिस मॉडल, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो एनी क्वेश्चन इन एग्ज़ाम
इफ इट इज़ न्यू, यूजुअली टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट इज़ ओहो नया आ गया, ये तो सर ने नहीं कराया तो छोड़ना है भाई, कैसे हो गए तो कहीं नहीं था, ऐसे नहीं होता है, उसको पेशेंटली पढ़ना है, यू विल फाइंड देम वेरी इजी. सो इफ़ यू हैव पेशेंस, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ हु आर सेइंग दैट सर न्यू सिलेबस का हर क्वेश्चन नया है, सर वो सारा क्वेश्चन तो आपसे किया ही नहीं, अब मैं कैसे करूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, वो घबरा जा रहे नए क्वेश्चन को देख देख के. बट आपको कॉन्सेप्ट अगर ठीक से मिला है तो नया क्वेश्चन का कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है, वो बस एक वो हैंड्स ऑन अप्रोच का एक आइडिया पड़ा हुआ है ना, कि बस जो करवा दो वही आ जाता है, उसमें मिसमैच हो रहा है आप लोगों के साथ. वो जो करवा दो वही आएगा बट वो नया आएगा, बस यही समझना है आपको. आप सोच रहे जो जो करवा दो वही आए और एज इट इज़ हम लोग लिख के आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है जी. तो सब चीज़ आप लोगों को मैं इतने सारे वीडियोस में देते आया हूँ, आपको प्रीवियस कितने सारी वीडियो मेरे पेपर सॉल्विंग के मिल जाएंगे, आरटीपी के मिल जाएंगे, एमटीपी के मिल जाएंगे. सो ऑल दोज आर इंडिकेटिंग देखो पेपर और सिंपल होते जा रहा है, और सिंपल बिकॉज द कंसेप्ट आर ऑल विथ अस. सो अब और नया नया कुछ लग ही नहीं रहा, सब कुछ सिंपल होते जा रहा है. आरटीपी नवंबर 20 बहुत सिंपल था, आरटीपी मई 20 भी काफ़ी हद तक सिंपल था, एमटीपी मई 20 भी जो था वो भी काफ़ी हद तक सिंपल था. सो और सिंप्लीफाई होता जा रहा है, आपको बस खाली कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं भी कर लूँगा, बस इतना ही कॉन्फिडेंस रखना है, आपका काम बनेगा. चलो खैर आप आओ इसको देखो पढ़ो. द सूप लिमिटेड ऑफर्स अ रेंज ऑफ ब्यूटी पार्लर सर्विसेज लाइक हेयर केयर, बॉडी केयर, मैनीक्योर, पेडीक्योर, स्किन केयर एक्सेट्रा. इट हैज़ 150 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री. द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन ऑल रीजन. ईच सेंटर ऑपरेट्स ऑटोनॉमसली एंड मैनेजर्स आर एबल टू ऑफर कस्टमाइजेबल सर्विसेज. सब तो इसका मतलब है 150 सेंटर इनके पास और सबका सब ऑटोनॉमस चलता है, एज अ प्रॉफिट सेंटर चलता है और सब अपने हिसाब से कस्टमाइज सर्विसेज भी देते हैं. सूप्स मिशन स्टेटमेंट इज टू इंस्पायर एंड एनहेंस ब्यूटी बाई यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट विद क्लाइंट्स. सूप वॉन्ट्स टू प्रोवाइड देयर क्लाइंट हाइएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ एम्फेसिस ऑन सर्विस कस्टमाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म, वर्क एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लाइंट्स फीडबैक. सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन सर्विस कस्टमाइजेशन, ओके, प्रोफेशनलिज्म दैट इज़ वर्क एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज क्लाइंट्स फीडबैक. तो ठीक है, ये सब के ऊपर ये लोग काम करते हैं. कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ वेबसाइट वेर इट क्रिएट्स ब्लॉग्स, पोस्ट हाई क्वालिटी कॉन्टेंट रिलेटेड टू ब्यूटी टिप्स. वेबसाइट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू सोशल मीडिया टू रीच कस्टमर्स. इफ अ कस्टमर सर्चेज सूप सर्विसेज ऑन सर्च इंजन, इट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट्स टू द प्लेस ऑफ नियरेस्ट सर्विस सेंटर. मतलब वेबसाइट ऐसा बना रखा है कि कोई भी गूगल वगैरह जैसा में सर्च करेगा कोई रेलिवेंट सर्विसेज तो वो सूप का नियरेस्ट सेंटर को रीडायरेक्ट करेगा. रीडायरेक्ट करेगा मतलब लिंक दिखा देगा, जैसे आप सर्च करते हो ना गूगल में ब्यूटी पार्लर नियर मी, तो नियरेस्ट ब्यूटी पार्लर आपको दिखा देता है ना, वैसे ही आप कोई भी ब्यूटी सर्विसेज सर्च करोगे सूप का तो वो आपको सूप तक रिडायरेक्ट करेगा. वो उनका सर्च इंजन में नहीं है, बेसिकली आपका पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा वेबसाइट बनाया जहाँ पे आप सर्च करो तो सूप का नियरेस्ट ब्यूटी पार्लर तक आपको कनेक्ट करेगा. एनीवेज, सूप्स ऑल सर्विसेज आर प्रेजेंटली बुक थ्रू ऑनलाइन चैनल. वेरी नाइस, सारा का सारा ऑनलाइन चैनल से ही काम होता है इनका. रिजल्ट्स फॉर वन ऑफ द सेंटर रूप आर गिवन बिलो. द कॉलम हेडेड सेंटर शोज द एवरेज फिगर्स फॉर ऑल द सेंटर्स. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द सेंटर एंड दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल. दिस इज एवरेज, दिस इज द सेंटर हुज मे बी परफॉर्मेंस एनालिसिस विल बी डूइंग. सो वी हैव रेवेन्यू, वी हैव जी पी, नंबर ऑफ सीनियर ब्यूटिशियंस, जूनियर ब्यूटिशियंस, नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स. वेबसाइट हिट्स मतलब इतने लोग वेबसाइट पर आए. नंबर ऑफ सर्विसेज बुकड, तो जितने आए उसमें से इतने लोग बुक किए, ठीक है, अक्टूबर 20 का. टोटल टाइम स्पेंट कंप्लीटिंग द जॉब्स, इतना आवर्स ये लोग काम किया रूप में एक महीने में. और नंबर ऑफ सर्विसेज टेकन फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर आए उसमें से इतने लोग तो रिपीट ही हो गए वापस. फिर नंबर ऑफ न्यू पैकेजेस, सर्विस पैकेजेस 3 बनाया, मतलब कुछ नया सर्विस पैकेज लाया वो 3.
कस्टमर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फॉर्म शोइंग स्कोर ऑफ 9 और 10। जिसे नॉर्मली क्या होता है ना, रेटिंग लिया जाता है ना कस्टमर का, 1 to 10 में आप रेटिंग करो, बहुत सारे जगह आजकल होता है। इवन हम लोग SGC में भी चालू कर दिए ये वाला चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को भी रेटिंग देते हैं, ठीक है। सो 1 से लेकर 9 और 10 में हम लोग मानते हैं 9 10 जिसने रेटिंग दिया वही खुश है और बाकी सब नाराज है, इसलिए यहाँ पे 9 और 10 का वैल्यू है। हम लोग मानते हैं कोई 8 भी दे रहा है ना, जैसे कई बार होता है ना स्कूल में हम लोग जब अच्छा भी करते थे ना, कोई थ्योरी का आंसर लिखते थे, हमेशा एवरेज मिलता था, 10 में 6 दे दो, 10 में 7 दे दो, हम लोग पूरा नहीं स्कूल में मार्क्स लिए कभी। तो जब अपने कोई खुद को पूरा मार्क्स नहीं मिला तो अपन भी किसी को मार्क्स देते समय पूरा नहीं देते, अपने बोलते 6 दे देते 7 दे देते, क्यों? क्योंकि 9 10 देने से आदमी को घमंड हो जाएगा, तो इसलिए 7 दे दो 8 दे दो, ऐसे बहुत बार करते हैं। तो कस्टमर्स ऐसे करते हैं, मैं भी कई बार रेटिंग देता हूँ ना कहीं पर, तो मैं कभी 10 में 10 नहीं देना चाहता, मैं भी 10 में 7 8 देता हूँ। एक बार ह्यूंडई कार सर्विस सेंटर में हो गया था मेरे साथ बवाल, तो कार सर्विस करवा लिया और फिर उन्होंने रेटिंग मांगा, तो मैं बोला ठीक है रेटिंग देना है, तो सब कुछ अच्छा ही था, तो 7 दिया मैंने, तो 7 दिया, तो वहाँ पे एक मैडम थी बमक गई, क्यों 7 दिया भाई सर आपने, आपको कहाँ प्रॉब्लम है ये बताइए। मैं बोला अरे तो सवाल पूछ रही है, तो मैंने एक स्टोरी बना दी कि नहीं नहीं मेरे को तो ऐसे लगा कि ये मेरा जो हो गया था ठीक होना था बट वो ठीक नहीं हुआ। तो बोले ठीक है सर, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं एक इंजीनियर आपके यहाँ पे भेजती हूँ मैकेनिक को, आप ओके घर पे जाके वो ठीक करेगा। मैंने ठीक है भाई घर पे आ जाने, तो ठीक हो गया। उसके बाद अब बोलिए सर अब आप रेटिंग आपका क्या है। मैं बोला मेरे से गलती हो गया था, मुझे तो ज़्यादा ही देना था, मैं सोचा बस 7 देता था। बोलता नहीं सर 7 देने से हमारा नौकरी पर खतरा हो जाता है। तो एकदम मतलब आपको देना है तो 9 या 10 ही दीजिए, आप 8 भी देंगे ना तो हम लोग को लगता है कि आप डिससेटिस्फाइड है, कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मतलब इतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो फीडबैक फॉर्म्स होता है ना उसका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि 9 और 10 को ही हम लोग वैल्यू देते हैं, 1 to 8 में सब डिससेटिस्फाइड है, 9 और 10 वाले ही सेटिस्फाइड है। सो 77% एवरेज चल रहा है, 86% एक्चुअली इसका है, तो बहुत अच्छा है, 86% इज रियली गुड। ओके आगे बढ़ते हैं नोट्स। ब्यूटिशियंस आर कैटेगराइज एज सीनियर इफ दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर मोर देन 3 ईयर्स। ब्यूटिशियंस को बोल देते सीनियर जब वो 3 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे सीनियर जूनियर दिया हुआ ना उसको ही क्लासीफाई कर रहा है। फिर जूनियर ब्यूटिशियंस इंक्लूड बोथ ट्रेनी ब्यूटिशियंस एंड ब्यूटिशियंस हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर लेस देन 3 ईयर्स। तो 3 साल से कम वाले और ट्रेनी हैं तो वो जूनियर हैं। ग्रुप लॉन्च 3 new service packs। तो 3 new service packs हम लोग को यहाँ दिख रहा था ना कि 3 service pack लाया था, उसी का डिटेल बता रहे हैं। फ्री कूपन ऑफ वर्थ 600 फॉर सर्विसेज ओवर एंड अबव 1200। सो कोई 1200 का अगर सर्विस लेगा तो उसको 600 का कूपन दे देगा। हेड मसाज कॉस्टिंग ओनली ₹240 इंस्टेड ऑफ यूजुअल 480 फॉर 10 days एडवांस बुकिंग। 10 दिन पहले बुक करो तो हेड मसाज का कॉस्टिंग आधा हो जाएगा, मतलब ऑफर दे रखा है। हेयर कट ₹120 विल बी चार्ज विच यूजअली कॉस्ट ₹360 फॉर ऑल कस्टमर्स बुकिंग हेयर स्पा। हेयर स्पा कराओगे तो हेयर कट का चार्ज 120 हो जाएगा। दीज 3 new service pack प्रोड्यूस रेवेन्यूज ऑफ 792, 696 एंड 648,000 रिस्पेक्टिवली। ऑफकोर्स वी कैन ऐड ऑल 3। 2 comparable new service pack डेवलप्ड बाई अदर सेंटर्स प्रोड्यूस रेवेन्यूज ऑफ इतना एंड इतना। तो मतलब बाकी लोग 2 ही नया pack निकाले और उससे रेवेन्यू भी कम जनरेट किए, हम लोग 3 pack निकाले और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट किए। कस्टमर टू रेट द पर्टिकुलर सेंटर फ्रॉम 1 to 10 इन एन ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म विच मीन्स 10 बींग द बेस्ट। ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सूप हैज़ रिसेंटली अटेंडेड अ वेबिनार एंड हर्ड अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आ गया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। CEO इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ द डिमेंशंस ब्लॉक वुड बी अप्लाइड टू द सूप लिमिटेड। 3 ब्लॉक होते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक में, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है, एक रिवॉर्ड ब्लॉक होता है, तीसरा डिमेंशन ब्लॉक होता है। डिमेंशन का 2 पार्ट होता है, 4 determinants एंड 2 results। सो क्वेश्चन बोल रहा है पहला पार्ट analyze roof's performance relative to the other centers. Normally building block में you can compare your performance with that of competitors, but यहाँ पे competitor में other centers हैं जिसका average आपको दिया हुआ है। और दूसरा बोलता है how the standards and reward block support the dimensions block in case of building block model.
मतलब स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सा थ्योरी लिखना है आपको, एक्सप्लेन करना है, मतलब थ्योरी लिखना है, एनालाइज करना है, मतलब डेटा जो दिया हुआ है उससे कनेक्ट करना है, परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, इसका मतलब आपको दोनों के बारे में बताना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द सीईओ इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ द डिमेंशंस ब्लॉक वुड बी अप्लाइड, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट अबाउट फोर डिटर्मिनेंट्स एंड टू रिजल्ट्स। ओके, सो लेट मी टॉक इन शॉर्ट। ओके, चार डिटर्मिनेंट का नाम आप याद करो, पहले पहले था जैसे कि क्वालिटी। तो क्वालिटी हम लोग यहाँ पे किससे जज कर सकते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर इतने सारे, उसमें हम क्वालिटी किससे जज कर सकते हैं, ठीक है? क्वालिटी है, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक बार एक मिनट लो, सोचो, मैं चार नाम लिखता हूँ, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इनोवेशन। तो इनमें से क्या क्या से आपको क्वालिटी समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ रहा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा है और इनोवेशन समझ में आ रहा है? और दो रिज़ल्ट था, एक रिज़ल्ट था कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, और दूसरा रिज़ल्ट था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो आप इनमें से बस एक मिनट लो और सोचो कि मैं क्वालिटी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या ये सब बेसिकली एक तरह से KPIs हैं आपके। ओके, तो इनमें से क्या क्वालिटी को जज कर रहा है, इनमें से क्या फ्लेक्सिबिलिटी को जज कर रहा है, इनमें से क्या रिसोर्स यूटिलाइजेशन को जज करेगा, क्या इनोवेशन को जज करेगा, और कौन सा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दिखाएगा और कौन सा हम लोगों को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएगा। आपका समझिए 8 मार्क है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ है, दो दो करके एक एक, दो दो करके एक एक को मार्क दिया गया, आप ऐसा समझ लो, 2 × 6 12 मार्क इस तरह से मिलेगा आपको। 6 पॉइंट के लिए आपको KPI लिखना है, जल्दी सोचो। आपके हेल्प के लिए मैं कर सकता हूँ कि आपको एक बार ये रेफ़र करने वापस दे सकता हूँ, आप मेरा एरो मार्किंग को रीड कर सकते हैं, क्वालिटी मतलब क्या है, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अपीयरेंस, कस्टमर रेटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, केटर टू चेंजेस इन डिमांड, वॉल्यूम, स्पीड, नंबर ऑफ डेज टू मीट द न्यू स्पेसिफिकेशन, इनोवेशन मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी या फाइनेंशियल रेशियोज़, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मतलब मार्केट शेयर, सेल्स ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। ये परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वगैरह क्या है, KPIs है, ठीक है, जिसको आप नंबर में मेज़र कर सकते हो। सो आओ एक बार अब मैं भी बताता हूँ, क्वालिटी जज करना है तो आप ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, दूसरा आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, एक नया नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर से भी क्वालिटी जज कर सकते हो। नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर ऐसे नहीं समझ में आता है, कंपेरेबल नहीं है ना, 1510 अच्छा है कि 1605 अच्छा है, ये कंपेरेबल नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज टोटल कस्टमर्स दोनों के सेम नहीं है। तो आप चाहो तो इसका परसेंट बना सकते हो, परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर्स बना दोगे, कितना परसेंट आ रहा है, तो उससे भी क्वालिटी पता चलता है, अच्छा क्वालिटी होगा तभी कस्टमर रिपीट करेगा। या तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जाओ या फिर आप परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर्स में जाओ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जाओ या फिर परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर्स में जाओ, गॉट इट? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी वॉट, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी वॉट, वॉट कैन बी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी योर टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी
जल्दी सोचो, मैं तो बोल ही दूंगा, आप सोचो। मैंने हिंट भी दे दिया, अभी एक वर्ड बोल दिया था अनजाने में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टाइम से कनेक्ट करके आप कर सकते हो, साइकिल टाइम होता है ना, तो वैसे टाइम कम फॉर कम जॉब कम्प्लीशन इज इतना, तो नंबर ऑफ सर्विसेज बुक्ड आपको मालूम है, तो यू कैन डिवाइड दिस टू, दैट विल गिव यू टाइम पर जॉब, टाइम पर सर्विस, सो दैट कैन बी फ्लेक्सिबिलिटी। सो फॉर क्वालिटी यू कैन से परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर्स, दिस इज योर KPI। फॉर फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन से टाइम पर सर्विस। देन आर इज फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैन बी कस्टमर्स पर ब्यूटीशियन, एक ब्यूटीशियन कितना कस्टमर को अटेंड कर रहा है, टोटल ब्यूटीशियंस। जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन में एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी मतलब इनपुट आउटपुट देखते हैं, तो रिसोर्स हमारा तो ब्यूटीशियंस ही है ना, तो आउटपुट है कस्टमर, तो कस्टमर और ब्यूटीशियन का रिलेशनशिप देख सकते हो, इनपुट इज टू आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता तो मटेरियल और फिनिश गुड्स होता ना, बट यहाँ पर क्या है, जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है उसका रिलेशनशिप। आई में न्यू सर्विस पैक्स, नंबर ऑफ न्यू सर्विस पैक्स, न्यू सर्विस पैक्स, इनोवेशन, यही इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गए। ओके, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में वी जनरली एनालाइज मार्केट शेयर परसेंटेज, कितना आया मेरा, मेरा ग्रोथ कितना हो रहा है। सो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में वी जस्ट काउंट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज बुक्ड इज ऑलरेडी नोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज बुक्ड, सो वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन कंपेयर द परसेंटेज। जैसे वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज बुक में जिसका वेबसाइट हिट ज़्यादा है उसका बुक ज़्यादा है, जिसका वेबसाइट हिट कम है उसका बुकिंग थोड़ा सा कम है, तो आप ऐसे देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम वेबसाइट हिट, सर्विसेज बुक्ड ऑन वेबसाइट हिट्स। और एक आ रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हो तो आप GP रेशियो देख ही सकते हो, तो ऑब्वियस आपको क्लिक कर ही गया होगा, रेवेन्यू और GP दिया हुआ है। तो करना क्या, आपको हर एक क्या एक एक कैलकुलेशन है जिसमें परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर आपको निकालना होगा, राइट, दोनों का, रूप का और सेंटर का, एवरेज से दोनों निकालना होगा और बताना होगा कि रूप बेटर है कि सेंटर बेटर है। ठीक है, रूप ने कैसा परफॉर्म किया उसका कोई रीज़न भी देना पड़ेगा, तब आपका मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स आप समझ लो ना, एक एक को दिया हुआ 12 मार्क का टोटल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है, क्वालिटी को लेके समझो, परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर ले रहे हैं, तो परसेंट ऑफ रिपीट कस्टमर कैसे आएगा, ये आपका देखिए रिपीट कस्टमर है 1510, 1510 डिवाइडेड बाई 9915 करो, रूप में आ रहा है 15.23 और सेंटर में आ रहा है 1605 डिवाइडेड बाई 12270 करिए, दिस इज कमिंग 13.08। ठीक है, 15.23 एंड 13.08, राइट। तो देख के क्या लग रहा है, रूप का क्वालिटी, नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर अगर ज़्यादा है तो रूप में क्वालिटी ज़्यादा है। अब ये आपने कमेंट किया, देखो आंसर लिखने का तरीका क्या है, पहले तो फिगर लिख देगा जो फैक्ट है वो बताएगा, फिर एनालिसिस करना है ना आपको, एनालाइज करने बोला, एनालिसिस मतलब ये ज़्यादा क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है, इट माइट बी ड्यू टू रिपीट कस्टमर्स आर कमिंग, माइट बी ड्यू टू इनोवेटिव सर्विस पैक्स। ठीक है, माइट बी ड्यू टू इनोवेटिव सर्विस पैक्स। नॉर्मली ईच एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज कनेक्टेड टू वन अनदर, कोई ना कोई का कनेक्शन किसी से है, क्वालिटी का कनेक्शन या तो फ्लेक्सिबिलिटी से या रिसोर्स यूटिलाइजेशन से या इनोवेशन से, कहीं ना कहीं एक दूसरा सबसे कनेक्टेड है, तो कोई ना कोई का इससे लिंक भिड़ा के आंसर लिखोगे कि इसका कारण क्या हो सकता है, इसी तरह से सबका लिखना है। चलो अब हम लोग चेक कर लेंगे, तो वो पहला मैं क्वालिटी का ही दिखा देता हूँ जो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा था, जॉब्स फॉर्म रिपीट कस्टमर आ गया, तो किसका अच्छा है बुरा है वो बता दिया आपने कि रूप का अच्छा है, सरपास द सेंटर्स एवरेज, अच्छा है, तो क्यों है अच्छा, तो हो सकता है उसका ब्यूटिशियंस इतने लिखा है कि
हाई क्वालिटी एंथुजियास्टिक स्टाफ है शायद, अज्यूम करते हैं इसमें अपना मन से कि शायद इसलिए होगा, जूनियर स्टाफ ज़्यादा है इसके यहाँ पे, तो हाई क्वालिटी स्टाफ होगा, एंथुजियास्टिक होगा, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो, अपना भी और कोई सजेशन भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है वही लिखना, इस चीज़ को पहले क्लियर कर लीजिए। यही सब मैं इन वीडियोस के थ्रू समझाते रहता हूँ आपको कि, और आप इसमें इनोवेटिव सर्विस पैक्स को भी क्रेडिट दे सकते हैं, बिकॉज उससे भी समझ में आता है कि लोग वापस रिपीट करने आ रहे हैं। करेक्ट, उससे भी रिपीट करने आ रहे हैं ना, वाउचर मिल रहा है तो कूपन दे रहा था वो लोग। तो नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड आपका, क्वालिटी के बाद क्या था, देखो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कहाँ है, ये रहा टाइम टेकन पर जॉब। तो टाइम टेकन पर जॉब डिवाइड करके निकाल लिया, 24/120 आवर्स डिवाइड बाई 9915, तो आ गया जहाँ रूप में ज़्यादा आ गया, सेंटर में कम आ गया। तो इसका आपको लिखना पड़ेगा कि रूप में ज़्यादा लग रहा है तो ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना सेंटर है। तो ऐसा ज़्यादा लग रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि हाई क्वालिटी देना चाह रहा होगा, मतलब हर एक डिटरमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा क्वालिटी देने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, ये टाइम ज़्यादा देता है इसलिए इसका क्वालिटी ज़्यादा है, इसके पास रिपीट कस्टमर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि हो सकता है इनका स्टाफ जूनियर है तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता होगा सर्विस देने में, तो वो भी पॉइंट हो सकता है। बट सर्विस ज़्यादा देर तक दे रहा है ये इस कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है भाई, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो आपको इस तरह से एनालिसिस करना है, आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि खाली कैलकुलेशन करके आ गए। यही तो आपका CNU सिलेबस का खूबी हो गया है, ठीक है। कितना बारी आप लोगों को क्लास में कराए हैं, बट क्या होता है ना, जब ये सब चालू होता है क्लास, आप लोग बोलते हो थ्योरी हो रहा है। अब जब थ्योरी आ रहा है क्लास में सारा का सारा, तो आप मतलब पेपर में थ्योरी का थ्योरी देखने को मिल रहा है, तो फिर बाल खड़े हो रहे हैं हमारे कि यार करना कैसे। जब क्लास में होता था तो उस समय उसको उतना दुवज्जो नहीं देते थे, चलो कोई नहीं, खैर अभी दे दो काम बन जाएगा। कंपैरिजन शोज़ दैट रूप टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है। खाली इतना ही नहीं बोलना है कि बस यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। बिकॉज दे हैव स्लाइटली लेस एक्सपीरियंस स्टाफ ऑन द होल, ठीक है। बट इसको भी ये नहीं बोल सकते कि इससे गड़बड़ है, बिकॉज वो एंथुजियास्टिक स्टाफ होंगे या फिर वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लोगों को सर्विस दे पा रहे होंगे, ज़्यादा देर तक दे रहे हैं, तो बिकॉज यहाँ पर अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है इसलिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ एक्सपीरियंस स्टाफ कम है तो ये एडवर्स सिनेरियो है। करेक्ट, तो यही पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में शॉर्ट में आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में आपको मैंने बताया इनपुट आउटपुट दिखाओ, यानी कि कस्टमर, और आप चाहो तो कस्टमर पर ब्यूटिशियंस दिखा सकते हो, जैसे इसमें रेवेन्यू पर ब्यूटिशियन दिखा दिया है। आप और भी कुछ दिखा सकते हो, जैसे कि आप कस्टमर पर ब्यूटिशियंस दिखा सकते हो, कस्टमर पर ब्यूटिशियन, एक ब्यूटिशियन कितना कस्टमर को अटेंड कर रहा है, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू दिखा रहे हैं तो रेवेन्यू पर ब्यूटिशियन यहाँ पर कम दिख रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्लियर है कि ये लोग एक एक कस्टमर को ज़्यादा समय दे रहे हैं, एक एक कस्टमर को ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो कम नंबर ऑफ कस्टमर्स कम ले पा रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज टाइम टू कंप्लीट द जॉब इज़ लॉन्गर, इसलिए यहाँ पर लेस एक्सपीरियंस स्टाफ होने के कारण आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स थोड़ा सा कम अटेंड हुआ, या फिर रेवेन्यू उनसे कम आया, या फिर रेवेन्यू पर ब्यूटिशियन कम आया। बट ओवरऑल तो अगर हम देखें तो खाली इस रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, अभी तो और भी एनालिसिस बाकी है ना। नेक्स्ट आ रहा है इनोवेशन। इनोवेशन में भी ये लोग कमाल किए, क्योंकि 3 पैक लाया था इन्होंने, बाकी लोगों ने कितना पैक लाया था आप देखो, बाकी लोगों ने कितना पैक लाया था, 2 ही लाया था, तो एक तरह से ज़्यादा लाया है। और दूसरा उसका रेवेन्यू भी दिया हुआ था, आप रेवेन्यू भी बता सकते हो, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इन तीनों का जोड़ लो ना, 792, 696, 648, 21,36,000 आ रहे हैं, और जबकि दूसरों का आ रहा है 528 और 5,04,000 करके,
10,32,000, ठीक है। सो इसको आप टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करके परसेंट में निकाल सकते हो, कितना परसेंट इनोवेशन से जनरेट हुआ। सो यहाँ पर किया हुआ है इनोवेशन में, वैसे ही किया हुआ है, टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करके परसेंट निकाला गया है, 23.4 आ रहा है, यहाँ पे 9.5 आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा किया है नया सर्विस पैक निकाल के। ओके, दिस इज़ रियली अ गुड परफॉर्मेंस। इसके बाद दो परफॉर्मेंस और है, कॉम्पिटिटिव और फाइनेंशियल। ज़रूरी नहीं कि उसको पहले से लिखना है, उसको बाद में भी लिख सकते हो आप। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब मैंने बोला ना कि आपको देखना है कि बाकियों के कंपैरिजन में हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो बाकी में हम लोग तो सेंटर के एवरेज से ही देख रहे हैं, और क्या देखना है इसमें, ग्रोथ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमने क्या बताया कि कितना विजिट्स आया हमारा, और उस विजिट से हम कितना कस्टमर कन्वर्ट कर पाए, हम वो देख सकते हैं, करेक्ट। वेबसाइट हिट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर्स, तो यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 63.71 है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि हम लोगों का बेटर परफॉर्मेंस है कॉम्पिटिटिवनेस में। और उसका रीजंस क्या है, उसका रीजंस ही तो डिटर्मिनेंट्स है ना। डिटर्मिनेंट्स माने रिजल्ट का डिटर्मिनेंट, रिजल्ट इज़ द इफेक्ट और कॉज इज़ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट माने ही तो बेसिकली कारण है, जो चार कारण है उसका नतीजा है ये कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस आया। अगर आप क्वालिटी पे काम करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करोगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे काम करोगे, ओके, इनोवेशन करोगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जिसमें आप जीपी रेशियो निकाल लीजिए, वो भी इनका बेटर आ रहा है, राइट। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी बिकॉज ऑफ, इसमें क्यों कारण से, इसका कारण एक गेस कर रहे हैं, रीज़न हर एक में आप देख रहे हैं, रीज़न भी बता रहे हैं हम लोग। एक तो आपका कैलकुलेशन हो गया, दूसरा आपका कमेंट हो गया, तीसरा आपका रीज़न हो गया, हर एक में तीन तीन पार्ट है। तो कैलकुलेशन किया, कमेंट किया, और फिर बताया एनालिसिस। ये रीज़न को ही हम लोग बोलते हैं एनालिसिस करें हम लोग, ठीक है। एनालिसिस मतलब क्या कारण से ये हुआ होगा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गुड होने का कारण शायद जूनियर ब्यूटिशियन सब लोग रख के चल रहे, तो कॉस्ट कम होता होगा, कॉस्ट कम होता होगा तो ऑफकोर्स मार्जिन बढ़ गया हमारा, तो वो भी हो सकता है। तो एक यहाँ पे गेस वर्क करना होता है, या फिर आप आंसर में ये भी लिख सकते हो कि द रीज़न ऑफ फाइनेंशियल बेटरमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस इज अधियर्ड टू द फोर डिटर्मिनेंट्स, सो लेट अस एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फोर डिटर्मिनेंट्स। सो एक एक करके आप कनेक्टेड वे में आंसर लिखते रहोगे, ठीक है। एक को दूसरे से कनेक्ट किया, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट किया, लाइक दैट। एक बार फिर से देख लो, क्वालिटी का मेजरमेंट आ गया जिसको हम कैलकुलेशन बोल रहे हैं, फिर कमेंट आ गया कि पुअर है कि अच्छा है, फिर आ गया आपका रीज़न एनालिसिस आ गया कि किस कारण से आपको लग रहा है वो अच्छा है। तो आपका कारण हो सकता है एग्जैक्टली आंसर का जो मेन कारण है उससे मैच नहीं हुआ, बट कनेक्ट हो रहा है तो फाइन है। अब इसमें सर एक चीज़ हम लोग के साथ होता है, जब मैं ये सम करता हूँ अपने आप, स्टूडेंट के मन में क्वेरी आता है कि आप जहाँ जहाँ परसेंट लिए ना, मैं परसेंट नहीं लिया, मैं तो सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर को कंपेयर कर रहा था, तो मेरे को मार्क्स मिलेगा क्या। देखिए मार्क्स मिलेगा क्या ये बोलना मुश्किल है, बट जनरली परसेंट तब लेना लेते हैं हम लोग जब आप देखते हैं कि कंपेरेबल नहीं है, तो परसेंट बना लेते हैं, और जब कंपेरेबल होता है तो अपने डायरेक्ट नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं, राइट। जैसे कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बोल रहे सर हम जीपी परसेंट नहीं सोच के, हम खाली रेवेन्यू सोच रहा था, ठीक है। कोई बोल रहा है सर कि सर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस में ना सिर्फ नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर सोच रहा था, हम डिवाइड नहीं सोच रहा था कि नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर बाई टोटल कस्टमर्स करें, ठीक है। सो आपको ये सोचना होगा बेसिकली परसेंट सही है कि नंबर सही है। अब परसेंट तब यूज़ होता है जब दोनों डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली यदि कंपेयर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रूप और ये जो एवरेज है ना दोनों इक्वल है, मतलब रूप इज़ इक्वल टू एवरेज, तब आप डायरेक्ट नंबर्स को कंपेयर करो। अगर ऐसा दिया होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन है हम लोग DJB बुक में भी है, ICMAT में मतलब, जिसमें ऐसा बोला हुआ था कि दो कंपनी है, दोनों सर्विस देता है और दोनों एकदम हूबहू है, आइडेंटिकल है, फुल ऑन आइडेंटिकल है, तो उसमें आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, पूरा आइडेंटिकल है तो। बट अगर आइडेंटिकल नहीं है तो परसेंट ही बेसिस ऑफ कंपैरिजन बनेगा। तो मेरे नज़र में अगर आप यहाँ पे परसेंट नहीं निकाल के नंबर लिख रहे हो तो शायद मार्क्स कम हो जाए, बट एवरेज मार्किंग स्टिल पॉसिबल है बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस। अगर आपने एनालिसिस सही किया तो फिर भी मार्क्स आपको मिलना चाहिए, राइट।
एक और इसमें पूछा था 8 मार्क के लिए कि आप स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड ब्लॉक के बारे में भी बताएं और वो कैसे आपका डिमेंशंस को हेल्प करता है वो बताएं। देखिए इसमें ऐसे ही बोलना है पहले कि स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मीन्स द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस एंड इट शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल। याद है ना 3 पॉइंट था उसमें, इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाई जस्ट नॉट इम्पोजिंग अपॉन द एम्प्लॉयज़, इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाई एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन एंड शुड बी रियलिस्टिक और अचीवेबल इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ओके एंड देन रिवॉर्ड के बारे में लिखेंगे कि इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, ओनली कैलकुल गाइडेड बाई द कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड शुड बी मोटिवेटिंग इन सच अ मैनर दैट इफ दे अचीव देयर ओन गोल्स इट विल अल्टीमेटली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। सो इफ स्टैंडर्ड्स आर सेट प्रॉपरली एंड रिवॉर्ड्स आर कम्युनिकेटेड, अल्टीमेटली वॉट विल हैपन, वेयर द वर्कर्स विल वर्क, वेयर द एम्प्लॉयज विल वर्क फॉर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे विल वर्क फॉर दोज फोर डिटर्मिनेंट्स ओनली विच विल अल्टीमेटली लीड टू टू काइंड ऑफ रिजल्ट। सो ये यहाँ पे एक लिखा हुआ एक लाइन जो क्वेश्चन का खासियत था, स्पेशल लाइन कि स्टैंडर्ड्स आर एंड रिवॉर्ड्स आर सेट अप्रोप्रिएटली, स्टाफ विल बी एंगेज एंड मोटिवेटेड एंड इट इज़ मोर लाइकली दैट द गोल्स और डिमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अचीव्ड। ये एक लाइन खास था मेरे नज़र में, जो बच्चे नहीं भी लिखते एग्जाम में, सिर्फ स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड को एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। सो इफ़ यू रीड द क्वेश्चन क्लियरली यू विल गेट द हिंट हाउ टू राइट व्हाट टू राइट। दे आर आस्किंग हाउ द स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड सपोर्ट द डिमेंशन। यू जस्ट नीड नॉट राइट अबाउट स्टैंडर्ड एंड रिवॉर्ड, यू हैव टू राइट हाउ दे सपोर्ट द डिमेंशन। सो हाउ दे सपोर्ट द डिमेंशन मीन्स इफ दे आर वेल क्रिएटेड, वेल प्रिंसिपली नोटेड, देन ऑफकोर्स इट विल हेल्प इन द रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डिमेंशंस, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। सो दिस क्वेश्चन 3 वॉज टोटली न्यू। देखो इसमें ये जब मैं DJB बुक में डालता हूँ ना, मैं मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट से आता है उसको स्प्लिट कर देता हूँ वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 4 नंबर में वैसे 2 क्वेश्चन आ गया है, 1 और 2, ठीक है। नॉर्मली मैं इसको 4 और 5 बना देता हूँ, बट अभी इसी में 2 आ गया है। और यहाँ पे शीट में जब मैं कर रहा हूँ ये वाला चीज़ है ना, यहाँ पर नहीं आके एक्चुअली इस क्वेश्चन में आएगा, ICI मैट और MTP May 20। मतलब ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का, स्कूल कैंटीन वाला सब आपको याद होगा, बट ये एक नया क्वेश्चन है। दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन हियर विच इज़ फ्रॉम JIT, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको रीड करके समझना आएगा, बट इसका आंसर लिखने का स्टाइल बड़ा यूनिक है। तो आप ठीक से देखिए क्या बोल रहा है। एम इज़ अ लीडिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनी अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट, टू कंटेन इन्वेंट्री एंड टू इम्प्रूव सर्विस, एम्स कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली अंडरटेकन अ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट JIT सिस्टम। तो अभी सोच लिया बस कॉस्ट रिडक्शन करना है तो JIT सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो। द मैनेजमेंट ऑफ एम इज़ कन्विंस्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ देयर चेंजेस। मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया कि JIT से बहुत फ़ायदा है, बट सप्लाईज मैनेजर यानी परचेज मैनेजर मिस्टर बी फियर्स दैट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स डिसीजन, फियर्स विद द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट डिसीजन, उसको डर लग रहा है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ये जो सोच लिया उसके कारण। ही सेड वी हैव बिन ड्रिवन बाई सप्लायर्स फॉर ईयर्स, बोल रहे हमारा कंपनी में सप्लायर से ही सारा चीज़ चल रहा है। दे वुड इंसिस्ट दैट वी कुड ओनली परचेज इन थाउजेंड्स एंड वी वुड हैव टू वेट वीक्स। परचेज इन थाउजेंड्स का मतलब है कि स्पेसिफिक लॉट साइज है, थाउजेंड्स का इम्प्लीकेशन है कि स्पेसिफिक लॉट साइज जो सप्लायर बोल रहा है, एंड उसके बाद बोल रहे दैट वी वुड हैव टू वेट वीक्स, इसका मतलब है कि लॉन्गर लीड टाइम है, और दैट दे वुड ओनली डिलीवर ऑन मंडेज, लॉन्गर लीड टाइम और स्पेसिफिक लीड टाइम बोल रहे हैं कि भाई हम अपने हिसाब से डिलीवर करेंगे और थाउजेंड्स में ही देंगे। सो इस मिस्टर व्यू बीज व्यू पॉइंट करेक्ट कॉमेंट, तो इसका क्वेश्चन में लिखना क्या ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। इस मिस्टर बीज व्यू पॉइंट करेक्ट कॉमेंट, मिस्टर बी को क्या लग रहा था कि वो थोड़ा सा डर रहा है JIT सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में, बिकॉज वो सप्लाई मैनेजर है, उसको पता है कंपनी सप्लाई ड्रिवन है और सप्लायर रेडी नहीं है सप्लाई करने के लिए। इसका आंसर कैसे लिखना है बड़ा यूनिक है, बहुत छोटा सा बट खोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब नया है, अब कई सारा चीज़ एग्ज़ाम में ऐसा होगा आपके साथ कि आपको भी एकदम नए नए क्वेश्चन पे
अपना पेन चलाना पड़ेगा, ऐसा होता है एग्ज़ाम में। तो उस समय जो आपका समझ आता है आपको उस वही आपको करना है, आप कुछ और कर भी नहीं सकते। इसमें हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। टैक्स में हर बार ऐसा होता है, ठीक है, अकाउंट्स में हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है जो एकदम यूनिक आ जाता है, जो आपको समझना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में। सब कॉस्टिंग में भी आएगा एक दो क्वेश्चन कम से कम, तो उस एग्ज़ाम हॉल में क्या समझ में आता है उसके ऊपर सारा जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको 5 मार्क के लिए लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो JIT बता दोगे कि जस्ट इन टाइम सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम रिक्वायर्स क्विक डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स इन शॉर्ट ऑर्डर साइज, इन स्मॉल ऑर्डर साइज, इन स्मॉल ऑर्डर साइज। JIT रिक्वायर्स क्विक डिलीवरी ऑफ आवर रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स इन व्हाट साइज? इन स्मॉल साइज। सो इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद द सप्लायर्स। हियर मिस्टर बी इज हाईलाइटिंग दैट इट्स सप्लायर्स वोंट बी दैट क्विक इन सप्लाइंग द मटेरियल्स एज वेल एज दे विल बी सप्लाइंग इन स्पेसिफिक लॉट्स। सो देयरफॉर मिस्टर बीज कंसर्न एज ऑफ नाउ इज करेक्ट, सही बोल रहा है, दैट द बेनिफिट्स ऑफ JIT सिस्टम मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनलेस वी हैव आवर सप्लायर्स कोऑपरेटिंग विद अस। बस यही आंसर ख़त्म। तो बी का व्यू पॉइंट करेक्ट है, तो करेक्ट है तो बात सही है, क्योंकि उसका सप्लायर उसको कोऑपरेटिव नहीं दिख रहा और JIT बिना सप्लायर कोऑपरेशन के बेनिफिट देगा नहीं। सो आप लोग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में बैठ के सब डिसीजन ले लिए, मैनेजमेंट को समझा दिए, बट जो एग्जीक्यूट करेगा उसको पता होना चाहिए ना। तो इसका आंसर बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है कि फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ JIT इन्वेंटरी सिस्टम सप्लायर चोजन मस्ट बी विलिंग टू मेक फ्रीक्वेंट डिलीवरीज इन स्मॉल लॉट्स। ये सबसे की पॉइंट है JIT का। रादर देन डिलीवरी अ वीक्स और मंथ्स मटीरियल एट वन टाइम, सप्लायर मस्ट बी विलिंग टू डिलीवर सेवरल टाइम्स अ डे इन एग्जैक्ट क्वान्टिटीज स्पेसिफाइड बाई द बायर। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द प्रॉब्लम दैट सप्लायर्स आर नॉट विलिंग टू मेक फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, मिस्टर बी ने जो बोला, एंड मेक सप्लाईज इन एग्जैक्ट क्वान्टिटीज एज रिक्वायर्ड। मतलब सप्लायर यहाँ पे विलिंग नहीं है। अकॉर्डिंगली मिस्टर बीज डाउट इज करेक्ट ऑन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JIT सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये सब एक चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए कि हाय ले अब ये एग्ज़ाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए रिकमेंडेड है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप जितना भी MTPs है उसको एक बार करो, जितना भी पास पेपर्स उसको करो। ओके, आपको फील होगा कि 80% मेरे को क्लिक करता है, 20% कुछ ऐसा होता है जो मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे लिखूं, तो उसका सोल्यूशन देखोगे तो क्लिक करेगा ना, उसका सोल्यूशन देखोगे तो क्लिक करेगा ना, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज़ ऑल इन दिस MTP डिस्कशन, बिकॉज रेस्ट ऑल वॉट एवर वी हैव हियर इज़ आर ऑल रिपीट फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर्स, ICAI MAT और RTPs और प्रीवियस MTPs। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई वॉज सपोज टू डिस्कस ओनली दिस मच फ्रॉम यू। आई विल स्टिल सजेस्ट इफ यू हैव सीन दिस मच, गिव योर सेल्फ सम मोर टाइम एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द फुल पेपर। इवन इफ यू नो द क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम, यू हैव टू एटलीस्ट, आई विल सजेस्ट, राइट 2 पेपर्स, बीट MTP और पास पेपर, एंड सी वेयर यू स्टैंड। If you don't do that, you will have little bit of fear for yourself कि मेरा क्या होगा एग्ज़ाम में। So it's definitely suggested that you must do what? Solve at least 2 papers, 1 MTP or 1 any of past paper. Sit for 3 hours, write continuously 3 hours and see where you stand in past. All those students who have secured rank or who have easily passed, they had just this one quality in common, that even when the first paper of new syllabus had come, okay, they were not hesitant to write the entire paper by themselves before the main exam. उन लोगों ने mock दिया था, चाहे मैं जय वोरा का बात कर लूँ, चाहे मैं कोई और आपके रैंक होल्डर्स की बात कर लूँ, दे सेड दिस, सर हमने मॉक दिया ना तो हाथ खुल गया, क्योंकि अब मेरे से हो जाएगा। वो मॉक देने का ही खाली देर है और आपका डर निकल जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू प्रैक्टिस।
ओके, अदर क्वेश्चंस एज वेल, ओके, एंड आई थिंक यू विल बी थ्रू. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.